नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आधार कार्ड से रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है, फिर कहीं गुम हो गया है, फिर आपने कहीं रख दिया है और आपको मिल नहीं रहा है दोस्तों, या दोस्तों फिर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है और आपको आधार कार्ड नहीं मिल रहा है और आपको आधार कार्ड यहाँ पर चाहिए ही चाहिए दोस्तों, और आपके आसपास कहीं आधार का सर्विस पोर्टल भी नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए सर्विस पोर्टल भी होगा तो दोस्तों वहाँ पर आप जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर अपना आधार कार्ड निकलाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपसे 200 या 300 रुपये ले लेगा दोस्तों। और मैं आज आपको बताऊँगा कि आप अपने ही नाम से, सिर्फ नाम से दोस्तों आपका आधार कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, या फिर कैसे मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, वो भी अपने मोबाइल से, वो भी घर बैठे दोस्तों। तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखना है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से और सिंपल तरीके से बताऊंगा दोस्तों, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट होती है आधार की, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यहाँ पर आपको क्लिक करने होते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, या फिर आप कहीं आसपास की दुकान में चले जाते हैं तो दुकान में भी जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको 100-200 रुपये ले ही लेगा, तभी आपका आधार कार्ड निकाल के देगा। जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ वही प्रोसेस वो भी करेगा दोस्तों। तो दोस्तों यार 100-200 रुपये आपको खर्च करने हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, अगर करने नहीं है तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखिए, अगर जानना भी चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वाकई में आधार कार्ड मोबाइल से डाउनलोड होता है या नहीं होता, तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखना है आपको, तो आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास मोबाइल दुकान है तो इसका आप आसानी से और अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में आपको पता भी नहीं होगा कि बहुत सारे न्यू अपडेट्स आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके आ चुके हैं कि आधार कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों और कैसे मंगवा सकते हैं। तो सिंपल से इस फर्स्ट नंबर पर जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो आ जाती है दोस्तों, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर लिखा होना चाहिए www.ui.gov.in दोस्तों, यहाँ पर इस पर क्लिक करना होता है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलाता है दोस्तों। तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं यार, बहुत ही कमाल कमाल के चेंजेस कर दिए गए हैं, और आपको पता नहीं यार, अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इस चैनल को कंप्लीट सब्सक्राइब कर ही रखें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूं दोस्तों, ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रिलेटेड लॉस्ट या फॉरगेट UID पर 4 नंबर पर क्लिक करना होता है दोस्तों, तो ध्यान रहे दोस्तों इस पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ जाते हैं, अब यहाँ पर आधार नंबर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर UID, यहाँ पर देख सकते हैं UID, और यहाँ पर जब आधार कार्ड आप नया बनवाते हैं तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नाम का फॉर्म दिया जाता है दोस्तों, अगर वो आपके पास है दोस्तों तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ नाम से करके डाउनलोड करके दिखाता हूँ और घर बैठे ऑनलाइन कैसे मंगवाते हैं वो बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना है दोस्तों, ठीक है ना, वो नाम देना है जो दोस्तों आपको आधार कार्ड में, और दोस्तों एकदम क्रियल नाम और शुद्ध नाम देना है दोस्तों, एक भी नाम गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ दोस्तों, मैंने अपना नाम दे दिया दोस्तों, और आपको यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। अगर वही नंबर आपको देना है मोबाइल नंबर, यहाँ पर वो वाला देना है जो आपको आधार कार्ड पर लिंक हो दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही नंबर देना है, और दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अगर मेल ID लिंक है तो मेल ID देना है दोस्तों। अब इस कंडीशन में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी लिंक नहीं है दोस्तों, तो यार इस वीडियो पर इतना कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर बता दूं कि आधार कार्ड पर ईमेल आईडी कैसे लिंक करते हैं दोस्तों। तो सिंपल से मैं ईमेल आईडी पर लिंक, वो ईमेल आईडी से आपको डाउनलोड कर दिखाऊंगा दोस्तों। अगर मोबाइल नंबर है, लेकिन मेरे पास अभी मोबाइल नंबर है नहीं फिलहाल में, इस वजह से मैं आपको ईमेल आईडी पर क्लिक करके दिखाऊंगा। अगर मोबाइल नंबर वही डालना जिस पर आपका OTP आएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपना मेल डाल देता हूँ, और मैं आपको अपनी मेल से दिखानी नहीं चाहूँगा, इस वजह से मैं ऊपर स्पेस करके बाद यहाँ पर मेल डाल देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मेल डाल देता हूँ, और मेल डालने के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैंने मेल डाल दिया है, और मेल डालने के बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा फिल करना होता है, तो कैप्चा जो नीचे लिखा होता है दोस्तों इसे आपको डालना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, तो इस मेल पर मेरे एक OTP आएगा, जो कि मैं OTP डालकर और आपको ये प्रोसेस करके डाउनलोड करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो यार इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिस्टम आ चुका है, अब मैं इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाऊँगा, क्योंकि अगर मेल आईडी मेरी आ जाएगी मैं वो मेल आईडी आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। तो मैं दोस्तों इसको स्क्रॉल करते ऊपर ले आया, और लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर 6 अंक का OTP मांग रहा है दोस्तों। मैं अपने मेल पर जाऊँगा, वहाँ पर मुझे 6 अंक का OTP मिल जाएगा, या फिर 8 अंक का आया होगा दोस्तों, उसे मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी मेल पर OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा दोस्तों, मेरे OTP है। तो दोस्तों मेरे मेल पर OTP आ चुका है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दोस्तों 54
427। तो दोस्तों मैंने मेल पे ओटीपी डाल ओ सॉरी मेल पे जो मेरा ओटीपी आया मैंने वो डाल दिया है, और डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। और जो तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा दोस्तों, ये जो ओटीपी है दोस्तों, ये खाली आपका जो ओटीपी है 10 मिनट के लिए ही वॉलिड रहता है, 10 मिनट के बाद ये ओटीपी बेकार हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना, याद रहे दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल से आप देख सकते हैं यहाँ पर UID इज सेंड योर ईमेल आईडी, यानी दोस्तों अगर आपने मोबाइल नंबर वहाँ पर दिया होगा तो आपके मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड चला जाएगा, आधार कार्ड नंबर और ईमेल आईडी दिया होगा तो ईमेल आईडी पर आपका आधार कार्ड नंबर चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों और जाने के बाद उस आधार कार्ड नंबर निकाल कर फिर UID की वेबसाइट पे जाने के बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर देने के बाद आप वहाँ से आसानी से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यार, कोई भी पैसा कोई भी खर्च नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।